हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके एमपीएससी 02 का ही एक अगला चैप्टर, आपका यूनिट 8 है ये, जनप्रियवादी आंदोलन और शासन। इसमें जनप्रियवादी आंदोलन क्या होता है और इसका शासन किस प्रकार से चलता है उसके बारे में आपको बताया गया है। और यहाँ पे आपके पूरे चैप्टर में जो है, यहाँ पे हम लैटिन अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील के बारे में हमने यहाँ पे देखा है। तो वहाँ पे ही जनप्रियवादी आंदोलन किस प्रकार से लोकप्रिय रहा और जनप्रिय रहा, और वहाँ पे किस प्रकार से इनकी विशेषताएं थी, कैसे इनके जो शासक थे किस तरह से उन्होंने अपना शासन को कायम रखा, इसके बारे में आपको पूरे चैप्टर में दे रखा है। तो इसके सभी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ऐड करे हैं, आपके जो भी चैप्टर में इंपॉर्टेंस थे, और कुछ पॉइंट्स इसमें अगर ऐड नहीं है तो वो आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इजीली आप जो है नोट्स को भी पढ़ सकते हैं, उसमें आपको फुल एक्सप्लेनेशन दी होगी। यहाँ पे मैं आपको चैप्टर में जो है मेन मेन चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊँगी, जनप्रियवादी आंदोलन क्या है, कब कितने टाइम तक चला, कहाँ पर ये चला और इनके शासक कौन थे। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पर वीडियो को एंड तक देखेंगे और यहाँ पे पूरा टॉपिक आपका जो है कवर हो जाएगा। इस पर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, वो आप ईज़िली कर पाएंगे, और बाकी टॉपिक्स आपको जो है नोट्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपका चैप्टर नेम है जनप्रियवादी आंदोलन शासन। तो ये जनप्रियवादी आंदोलन यहाँ पे है क्या? जनप्रियवादी जो शब्द है, जन यहाँ पे जनप्रियवाद का अर्थ है जो जनता को प्रिय हो, यानी कि जो जनता को पसंद हो, उस तरह का शासन यहाँ पर चलाया गया। तो राजनीतिक शास्त्री 1940 के दशक के राजनीतिक शासन और आंदोलन को समझने के लिए जनप्रियवादी शब्द का प्रयोग करते थे, प्रयोग किया जाता था, क्योंकि यहाँ पे मतलब राजनीतिक शास्त्री जो थे, यानी जितने भी फिलोसफर्स थे जिन्होंने भी इसके बारे में पढ़ा था, तो 1940 के दशक में जितने भी शासन चले, जितने भी आंदोलन हुए, उन सबको हम कहते हैं जनप्रियवादी, यानी जनप्रियवादी आंदोलन थे वो, जनता के द्वारा, यहाँ पे जनता का जिसमें हित हो सके, इस तरह का शासन उस टाइम पर चल रहा था, और उन्हीं के हित को पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है इसके बारे में यहाँ पर पूरा जो है स्टेज ये चल रही थी 1940 के दशक में। 1970 और 80 के दशक में उत्पन्न सिविल और सैन्य दोनों शासन की आर्थिक नीतियाँ, सामाजिक स्वरूप और लोकप्रिय सेनाओं की गतिविधियाँ 1940 के जनप्रियवादी शास्त्रों के समान थी। और यहाँ पे 1940 के तो जो दशक का जो शासन था उसको तो हम जनप्रियवादी कहते ही हैं। इसी के साथ जो 1970 और 80 में जो जितने भी सैन्य शक्ति थी और जितने भी सिविल सेवक थे, उन्होंने उनके द्वारा जो शासन चलाया जा रहा था, जो आर्थिक नीतियाँ, सामाजिक स्वरूप और उनकी लोकप्रिय सेनाओं की गतिविधियों को भी, जो मतलब ये जो इनकी जितनी भी नीतियाँ थी, जिस प्रकार से इनका स्वरूप था, ये सब जनप्रियवादी आंदोलन के जैसा ही था। तो इसको भी हम 1970 और 80 के दशक को भी हम कहते हैं कि जनप्रियवादी आंदोलनों की तरह ही ये थे। और पूरा अगर हम देखें जो जनप्रियवाद आंदोलन थे, इसका टाइम पीरियड जो है यहाँ पे जनप्रियवाद आंदोलन का समय 1930 से 1960 के दशक तक माना जाता है। यहाँ पे 1940 को कहा जाता है जनप्रियवादी आंदोलन या जनप्रियवादी पूरी स्टेज उसको कहा जाता है, और इसका जो टाइम पीरियड चला, मतलब इसका इस तरह का जो शासन जब तक लोगों ने चलाया, वो 1930 से 1960 तक चला था। जिसमें मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्गों सहित नए सामाजिक वर्गों द्वारा राजनीतिक और औद्योगिकरण और पुनर्वितरण पर आधारित विकास नीतियों में भागीदारी थी। जो 1930 से 60 तक का जो भी स्टेज में जो शासन था, जो आंदोलन थे, वो सब जो श्रमिक वर्ग होते हैं जिनके साथ शोषण होता है बहुत ज़्यादा, उस टाइम पर बहुत शोषण होता था, उनके अधिकारों को जो है कोई सम्मान नहीं करता था, किसी भी प्रकार का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं होता था, तो इनके लिए ये पूरा शासन चलाया गया था। जनप्रियवाद के जो भी इस तरीके को अपनाते थे, जनप्रियवादी शासन जो अपनाते थे, वो श्रमिक वर्गों और मध्यम वर्गों और जितने भी सामाजिक वर्ग होते हैं जिनके साथ शोषण हो रहा है, उनकी जो है सहायता करते हैं, यहाँ पे उनकी उनके लिए नीतियाँ बनाते हैं यहाँ पे।
तो इसमें श्रमिक वर्ग आते हैं, मध्यम वर्ग आते हैं, सामाजिक वर्ग, मतलब जितने भी समाज में ऐसे वर्ग हैं जिनके जिनकी बातों को नहीं रखा जा रहा है उनके बारे में यहाँ पे बात होती है। औद्योगिकरण और पुनर्वितरण पर आधारित विकास नीतियों में भागीदारी थी। पूरे इस आंदोलन ने, जनप्रियवादी आंदोलन ने जो है इन सब लोगों के लिए अधिकार रखे, इनकी बातें करें। और इसी को अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखें तो यहाँ पे हम दो तरह के एग्ज़ाम्पल देखेंगे। एक लैटिन अमेरिका में था जो कि था जुआन डोमिंग परोन, 1946 से 1955 तक इनका शासन चला। और ब्राज़ील में गैटलियो वर्गस जो 1951 से 54 तक इनका शासन चला। तो ये दो एग्ज़ाम्पल जो हैं ये जनप्रियवादी आंदोलन के ही हैं और इसके बारे में हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, आपका इस पे क्वेश्चन भी बनता है। अर्जेंटीना का परोन और ब्राज़ील का वर्गस। अर्जेंटीना के कौन थे यहाँ पे? परोन, जिन्होंने जनप्रियवादी आंदोलन यानी जनप्रियवादी शासन चलाया, और ब्राज़ील के वर्गस, ब्राज़ील के जो वर्गस थे उन्होंने ये शासन चलाया। तो अर्जेंटीना का परोन यहाँ पे ज़मींदार के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले कट्टरवादी शासन का तख्ता पलट करके परोन शासन में आया था। मतलब कि वहाँ पे उस टाइम पे जो शासन चल रहा था वो किस तरह का था? कट्टरवादी था और सिर्फ ज़मींदारों के हितों में था, यानी कि जो ऊँच जाति के वर्ग है उन्हीं को सपोर्ट करता था, इस तरह का शासन वहाँ पे चल रहा था। तो उसको हरा कर परोन जो है यहाँ पे शासन में आए, और परोन एक जनप्रियवादी यहाँ पे कहलाए, क्योंकि इन्होंने जो जनता को प्रिय हो या फिर जो जनता के हितों के लिए जो शोषित वर्ग हैं उनके साथ मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए यहाँ पे काम किया था, इसलिए इनके शासन को जनप्रियवाद कहा जाता। तो उसका तख्ता पलट करके परोन शासन में आए। वह परोन ने अर्जेंटीना में 1946 से 1953 तक, उसके बाद अल्प अवधि अक्टूबर 1973 से जुलाई 1974 तक यहाँ पे शासन किया था। पहला इन्होंने अर्जेंटीना में 1946 से 1953 तक इनका शासन चला, और उसके बाद कुछ समय बाद इनका दोबारा से इन्होंने अपने शासन चलाया। कुछ समय इनकी जो है सरकार धीमी पड़ गई यहाँ पे, और फिर उसके बाद इन्होंने दोबारा से जो है शासन में, ये 1973 से 74 तक इन्होंने शासन किया जब तक कि इनकी मृत्यु नहीं हो गई। फिर उसके बाद 1946 में उसने श्रमिक वर्ग यहाँ पे, इसी बीच जब पहली बार वो शासन कर रहे थे तभी उन्होंने श्रमिक वर्ग, अन्य सामाजिक ताकतों जैसे शहरी निर्धन वर्ग, मध्यम वर्ग, राष्ट्रीय उद्योगपति तथा सेना के प्रगतिशील वर्ग के समर्थन से राष्ट्रपति का चुनाव जीता। इन्होंने यहाँ पे जितने भी श्रमिक वर्ग थे, जो श्रमिकों के लिए क्या अधिकार दे सकते हैं हम, उनके लिए क्या कार्य कर सकते हैं, और जितने भी सामाजिक वर्ग हैं, निर्धन लोग हैं, उनके लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, इन सब के लिए कार्य किए और इनका समर्थन लेकर ही वो राष्ट्रपति बने थे यहाँ पे। और ये पंचेवली ताकतों का गठबंधन 10 साल तक बना रहा था, 46 से 53 तक ये जो है बना रहा था, और उसके बाद भी जो है इसको 10 साल तक माना जाता है पंचवेली ताकतें। यानी कि इन्होंने किस किस का समर्थन इन्हें प्राप्त था? एक श्रमिक वर्ग का, शहरी निर्धन वर्ग का, शहरी मध्यम वर्ग, राष्ट्रपति, उद्योगपति, राष्ट्रीय उद्योगपति और सेना के प्रगतिशील वर्ग का इन्होंने जो है समर्थन प्राप्त था। तो इसे पंचशील ताकतों का गठबंधन कहा जाता है, जो कि 10 साल तक बना रहा। मतलब इन लोगों से जो है उसे समर्थन मिलता रहा, इनके लिए उसने कार्य किए। इसको थोड़ा और हम जानेंगे परोन के शासन की विशेषताओं के आधार पे, इसकी क्या विशेषताएं, अगर आपका ये क्वेश्चन बनता है तो ये भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे परोन के शासन की पूरे टाइम पीरियड में उसने क्या क्या कार्य किए इसको भी आप हम जान यहाँ पे जान सकते हैं। परोन एक करिश्माई नेता था, करिश्माई नेता था यहाँ पे परोन, क्योंकि उसे जो है सभी लोग उसे पसंद करते थे, सभी लोगों द्वारा जो है उसे चुना गया था, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? करिश्माई नेता। श्रमिक वर्ग, शहरी निर्धन वर्ग तथा अन्य समर्थक की निष्ठा पाने के लिए वस्तु और सेवाओं का वितरण अपने ढंग से करता था, यानी कि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, सभी को जो है वस्तुओं का, सेवाओं का समान वितरण हो सके,
सामान बंटवारा हो, सब किसी को ज़्यादा ना मिले, समाज में किसी को कम ना मिले, इस तरह का वितरण हो, इसलिए वो अपने तरीके से जो है ये सब कार्य करता था। अर्जेंटीना में जनप्रियवाद एक शहरी चीज़ थी। विभिन्न सामाजिक वर्ग पर ऑन से संबंध हुए और उसकी आर्थिक विकास नीतियों से लाभ उठाया। यानी कि ये जो अर्जेंटीना में जनप्रियवाद जो था एक नया चीज़ थी यहाँ पे। इससे पहले तो लोगों का शोषण ही हो रहा था और सब लोग जो है, इससे पहले कट्टरवाद था, तो जनप्रियवाद ये जो है पूरा परोन के शासन को ही कहा जाता है। और तो ये अर्जेंटीना के लिए एक नया शासन था और विभिन्न सामाजिक वर्ग जो थे, मतलब जितने भी श्रमिक वर्ग थे, मध्यम वर्ग थे, इन सभी ने जो परोन ने नीतियाँ बनाई थी उससे उनको फ़ायदा हो रहा था। परोन के नेतृत्व में शहरी श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्गों ने आर्थिक वितरण नीतियों, अधिक मजदूरी वेतन और समाज कल्याण योजनाओं का सबसे अधिक लाभ उठाया। यानी कि जो जो परोन ने इनके लिए मजदूरी वेतन ऊँच, इनके जो है पहले इतना इनको नहीं दिया जाता था, इनके जितना इनसे काम लिया जाता था उसके अकॉर्डिंग इनको जो है इनके आय नहीं मिलती थी, पर उनके शासन में ही होने लगा था। तो इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है श्रमिक वर्ग को और जितने भी सामाजिक वर्ग थे उनको हो रहा था। तो यहाँ पे जितने भी श्रमिक वर्ग थे, शहरी श्रमिक, मध्यम वर्गों ने जो है इसका फ़ायदा उठाया था। राज्य के आर्थिक प्रोत्साहन और संरक्षण नीतियों का कृतज्ञ रहा। यानी कि उस टाइम पे इसने आर्थिक प्रोत्साहन दिया, नई नई चीज़ों को यहाँ पे बढ़ाया और जो है किस तरह से इसने अपने जो भी कृषि के कार्य थे उनको भी उद्योगों में शामिल कर लिया। तो उस तरह से इसको कहा जाता है कि इसने आर्थिक प्रोत्साहन किया। वहाँ पे जितने भी जो कृषि थी और जितने भी उद्योग थे उस टाइम पे इतने डेवलप नहीं हो पा रहे थे, पर इसने जो है वहाँ पे श्रमिक लोगों के लिए कार्य करके, शहरी लोगों के लिए कार्य करके, शहरी मतलब मध्यम वर्ग के लिए, शहरी वर्ग के लिए कार्य करके वहाँ के आर्थिक रूप से जो है प्रोत्साहन दिया था, वहाँ के आर्थिक क्षेत्रों को यहाँ पे बढ़ावा दिया था। उसका लक्ष्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना था। ये भी एक विशेषता हम देख सकते हैं, कल्याणकारी राज्य यानी कि जो सबके हित में जो कार्य होते हैं। तो यहाँ पे उसने श्रमिक वर्गों के लिए, जितने भी समाज में वर्ग थे सभी का यहाँ पे हित पूरा हो सके, इस तरह के उसने कार्य किए थे। तो इसलिए हम कहते हैं उसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करी थी उसने। घरेलू उत्पादन कार्यों को प्रोत्साहित किया, जिसके लिए कृषि निर्यात क्षेत्र के संसाधनों को औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित करने की नीतियाँ बनाई। और उसने मतलब हमारे घरेलू उत्पादन यानी कि जो देश के ही जो कार्य हैं उसी को हम कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो उसके लिए उसने कृषि के जो भी कार्य थे उसको औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित किया था। यानी कि किस तरह से कृषि क्षेत्र को जो है और भी बढ़ा दिया था, उसमें नई नई टेक्निक्स ले आए थे। और यहाँ पे इन्होंने विदेशी निवेशकों को भी अधिग्रहण किया था, यानी कि जो विदेशी निवेशक थे, बाहर के जो देश हैं वो भी हम पे निवेश करें, इतना अट्रैक्टिव इसने अपने जो है औद्योगिकरण को, अपने कृषि क्षेत्र को बना लिया था। तो यहाँ पे कई विदेशी निवेशक भी इसी टाइम पीरियड में हमारे यहाँ निवेश करने लगे थे। यहाँ पे परोन के शासन आपको यहाँ पे स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा क्या इसकी विशेषताएँ थी, कितने टाइम पीरियड तक ये चला। और यहाँ पे इसने श्रमिक वर्गों को ज़्यादा सपोर्ट किया। इसकी पंचशील ताकतों का गठबंधन जिसे कहा जाता है 10 साल तक बना रहा था ये। यानी कि इसमें 5 वर्ग शामिल थे, शहरी, मध्यम वर्ग, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय उद्योगपति तथा सेना के प्रगतिशील वर्ग और निर्धन वर्ग, ये सभी वर्ग इसमें शामिल थे, जिसे पंचशील ताकत कहा जाता है। और ये 10 साल तक बना रहा था। इसने अपनी पूरी, जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक इसने ये शासन किया। इसकी विशेषताएं हमने देख ली, अब हम देखेंगे ब्रिटेन के गैटुलियो वेगस, वर्गस नाम था उनका स्टूडेंट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। जो ब्रिटेन के गैटुलियो जो थे उनके शासन की यहाँ पे बात करें, 13 वर्ष तक ब्राज़ील के राष्ट्रपति रहे और दूसरी बार जनप्रियवाद गठबंधन से 1950 में राष्ट्रपति बने। सबसे पहले 13 वर्ष तक जो है इन्होंने पहले अपना शासन चलाया, उसके बाद इनके भी शासन को जो है सैन्य शक्ति वहाँ पे आ गई थी, फिर उन्होंने भी इसके, इन्होंने जो भी चीज़ें बनाई थी उस सबको हटा दिया था।
फिर उसके बाद ये दोबारा से यहाँ पर मतलब चुनाव में खड़े हुए। अब जितने भी इन्होंने लोगों को सपोर्ट किया था दोबारा से उनका सपोर्ट इनको मिला और 1950 में फिर से ये राष्ट्रपति बने। 13 वर्ष तक ब्राज़ील की राजनीति के कानूनों नियमों के अनुसार राष्ट्रीय राजनीति का संचालन किया और विभिन्न क्षेत्रीय आर्थिक और शक्तिशाली शहरी राजनीतिज्ञों के हितों को सम्मिलित करते हुए राज्य के नियंत्रण को मजबूत किया। 13 वर्ष तक इन्होंने जो है ब्राज़ील का जो भी कानून था उसके हिसाब से अपना कार्य चलाया, उसके हिसाब से उनके कानूनों के हिसाब से काम किया। पर ये जो गैटुलियो थे थोड़ा इन्होंने संविधान में जो है छल कपट करके भी अपना कार्य को आगे बढ़ाया था। 1938 में इन्होंने एस्टाडो नोवो का निर्माण किया था, ये एक राज्य की स्थापना की जिसकी रचना बड़े आर्थिक वर्गों को शामिल करने, नियंत्रित करने के लिए तथा हितों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने के लिए की गई थी। एस्टाडो नोवो का इन्होंने यहाँ पे बनाया था ताकि जितने भी जो आर्थिक वर्ग है और जितने भी राज्य हैं उनको मैं किस तरह से नियंत्रित कर सकता हूँ, उसके लिए इन्होंने एस्टाडो नोवो का यहाँ पे एक राज्य बनाया था ये नाम देकर। 1945 सैनिक विप्लव ने यहाँ पे जो है इस टाइम पीरियड में 45 के 13 वर्ष तक तो यहाँ पे चला था शासन 1938 तक, और 1945 में इनका जो एरोनोवो था वो समाप्त कर दिया एक दूसरे शासन ने, और उससे पहले ही वर्गस ने राजनीतिक परियोजनाओं में रुचि लेना छोड़ दिया था। मतलब यहाँ पे इसने जो है अपने इस टाइम पीरियड में 1945 में अपना जो भी इनका राजनीति में इंटरेस्ट था उसको छोड़ दिया था। और उसके बाद फिर से पर इन्होंने 1950 में दोबारा चुनाव आए, दोबारा इन्होंने चुनाव जीता और जिन भी लोगों को इन्होंने सपोर्ट किया इस बार 1950 में इन्होंने जनप्रियवादी प्रकृति अपनाई। यहाँ तक तो ये जो ब्रिटेन का जो भी कानून था उसके हिसाब से चलते रहे, पर अब हम बात करें जनप्रियवादी प्रकृति की, तो जब इन्होंने 1950 में दोबारा से शासन में आए थे ये, तब इन्होंने ये प्रकृति अपनाई थी जनप्रियवाद की, जिसमें इन्होंने श्रमिक वर्गों और अन्य शहरी तत्वों को महत्व दिया था। उसके जनप्रियवादी गठबंधन में श्रमिक वर्ग, यहाँ पे हमने जो है इससे पहले परोन का गठबंधन देखा था जिसे पंचवेली ताकत कहा जाता है, पांच वर्ग इसमें शामिल थे। अब ये है वर्गस का जो है यहाँ पे गठबंधन है। 1950 में चुनाव ने दोबारा आया और इसके बाद इसने जो गठबंधन बनाया यानी जिन जिन लोगों को इसने सपोर्ट किया वो थे जनप्रियवादी गठबंधन में श्रमिक वर्ग, पुरानी विचारधारा के राजनीतिज्ञ, नौकरशाह, मध्यम वर्ग, उद्योगपति और जमींदार। इन सब लोगों को मतलब इसने सपोर्ट किया और सशस्त्र सेनाओं के लोग भी इसमें शामिल थे। सशस्त्र सेनाओं का उसने जो है यहाँ पे बहुत उपयोग किया था अपने शक्ति बढ़ाने के लिए और अपने को दोबारा से राष्ट्रपति बनने के लिए और यहाँ पे खड़ा होने के लिए। दोबारा जब इसने चुनाव लड़े तो इसने सेनाओं का यहाँ पे लाभ उठाया था सबसे ज़्यादा, और इसने भी अब जनप्रियवादी प्रकृति अपना ली थी यानी कि अब जो है मैं श्रमिक वर्गों के लिए और जितने भी नौकरशाही हैं, मध्यम वर्ग हैं, उन सब के लिए कार्य करूँगा। तो यहाँ पे गैटुलियो का जो शासन था जनप्रियवाद का वो 1950 में आया था। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन बनता है परोन और वर्कर्स के शासनों की समानता है, यानी कि इन दोनों के ही शासन, दोनों ही जनप्रियवादी माने जाते हैं, तो इन दोनों के शासन में समानताएं क्या है? दोनों ने अपने अपने संगठन बनाए थे, ये हम खुद से भी देख सकते हैं, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये आप खुद भी लिख सकते हैं, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा और डीपली देखेंगे। सत्ता प्राप्त करने के लिए जिन संसाधनों और नियमों का प्रयोग किया, सत्ता को बनाए रखने के लिए भी उन्हीं का प्रयोग किया। यानी कि इन्होंने जब भी इन्होंने चुनाव में खड़े हुए थे उस टाइम पे इन्होंने जो बातें कही थी या जो चीज़ें इन्होंने करी थी, श्रमिक वर्गों को सपोर्ट किया जब ये शासन में आए और जितने भी गरीब लोग थे उनकी सहायता करी, उनके लिए कानून वगैरह बनाए, तो इन्होंने अपने पूरे शासनकाल तक जो है इसी चीज़ों को कायम रखा था। मतलब कुछ नेता होते हैं जो कि अपना शासन में आने से पहले ये सब चीज़ें कहते हैं और बाद में भूल जाते हैं, तो इस तरीके से। पर यहाँ पे परोन और वर्कर्स ने उसका क्या किया, शुरू से ही
इन चीज़ों को सपोर्ट किया, और जब तक इनका शासन काल रहा तभी तक इन्होंने इन्हीं चीज़ों का सपोर्ट करते रहे। अपने लोकप्रियता का इस्तेमाल विरोधियों को भयभीत करने के लिए किया, यानी कि जो इनकी प्रकृति थी जनप्रियवाद, इसका इस्तेमाल, इसकी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर हो गए थे, और इसी पॉपुलैरिटी का यूज़ इन्होंने जो भी इनके कॉम्पिटिटर थे उनके लिए किया था। यानी कि अगर कोई राजनीति में होता है तो एक चीज़ होती है जिस वजह से कोई भी नेता जो है उससे कंपटीशन में रहे, तो इनकी सबसे बड़ा जो कंपटीशन था वो था कि ये जनप्रियवाद के कारण काफ़ी पॉपुलर हो गए थे, काफ़ी लोगों का समर्थन इन लोगों को प्राप्त था, दोनों ही को, वर्गस को भी यहाँ पे उन्होंने जो है जितने भी उद्योगपतियों का, श्रमिकों का यहाँ पे सपोर्ट किया, और परोन ने भी जितने लोगों को सपोर्ट किया उन सभी का समर्थन इन दोनों को ही प्राप्त था। तो इनकी जो पॉपुलैरिटी थी ये यहाँ पे कंपटीशन बना। राजनीतिक कार्यक्रमों के समर्थन के लिए दोनों के पास अनेक वर्ग एफ शहरी चुनाव क्षेत्र था, वह सबका समर्थन था, दोनों के पास सभी वर्गों को, इन्होंने जितने वर्गों को सपोर्ट किया था उनका समर्थन था, और दोनों ने क्रांतिकारी रूपांतरण की संभावना को समाप्त किया। समाज में किसी भी तरह की कोई क्रांति ना हो, सब कुछ जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना इन्होंने करी कि जो है हम सबके हित में कार्य कर सकें, तो इससे कोई भी क्रांति हमारे जो है जगह पे ना हो, इसका इन्होंने प्रयास किया दोनों ने ही। और इनके राजनीतिक दल, दोनों ने अपने अपने राजनीतिक दल बनाए। परोन का था श्रमिक के महासंघ जनरल कॉन्फिग्रेशन ऑफ लेबर, CGT इसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। CGT की इसने स्थापना करी थी, यानी कि एक श्रमिक यूनियनों का एक संगठन था जिसमें श्रमिकों के लिए कार्य किया जाएगा। और यहीं पे वर्कर्स ने एक बनाया था ब्राज़ील श्रमिक दल, ब्राज़ीलियन लेबर पार्टी, इसकी थी ब्राज़ीलियन लेबर पार्टी की स्थापना की, ताकि अपने श्रमिक वर्ग समर्थकों को संगठित सक्रिय कर उन पर नियंत्रण कर सके। और इसने जो है ब्राज़ील श्रमिक दल बनाया, ब्राज़ीलियन लेबर दल, और इसकी स्थापना इसने जो भी श्रमिक वर्ग थे उनको मैं समर्थन दे सकूं और उनको संगठित कर सकूं, उन पे अपना नियंत्रण चला सकूं, उसके लिए इसने किया था। तो दोनों ने ही यहाँ पे अपने अपने दल बनाए और लोगों को सपोर्ट किया, और दोनों ही लोकप्रिय रहे, और दोनों ने ही क्रांतिकारी जो नेता था उसका विरोध किया कि हमारे देश में कोई भी क्रांति ना हो, और कल्याणकारी राज्य की यहाँ पर स्थापना करी। तो स्टूडेंट, यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बताया है थोड़ा, और कुछ ही पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करें। अभी इसी में ही आपका जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, और आपके जो भी नेक्स्ट टॉपिक रहते हैं वो आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, वो भी इजी लैंग्वेज में आप पढ़ के ही समझ सकते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आया हो हमारा वीडियो, आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप हमें कमेंट में भी अपने रिव्यू दे सकते हैं, या कमेंट में आप हमें जो है आपका कुछ भी इसमें टॉपिक आप ऐड करवाना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका पॉलिटिकल साइंस का कोई भी आपका चैप्टर का टॉपिक होता है वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।